नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऐसे कौन से टॉप 10 आइडियाज़ हैं जो हम अभी अपने उत्तराखंड में कर सकते हैं और जिनसे बिज़नेस कर सकते हैं और कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आइए ज़्यादा वेट न करते हुए सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला आइडिया जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है एडवेंचर टूरिज़्म का। तो दोस्तों जैसा कि आप देखते हो कि आजकल ऋषिकेश या हमारे उत्तराखंड के ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर काफ़ी क्रेज बढ़ चुका है एडवेंचर टूरिज्म का, लोग राफ्टिंग वगैरह करने आते हैं, तो इसके लिए भी आप एक छोटे अमाउंट के साथ बिज़नेस शुरू कर सकते हो। गवर्नमेंट भी बहुत सारे स्कीम्स हैं जो लोन प्रोवाइड कराती हैं ऐसे, अगर आपको छोटे मोटे बिज़नेस स्टार्ट करने हैं तो एक अच्छा आइडिया हो सकता है अगर आप इंटरेस्टेड हैं वहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट करके कम अमाउंट में कुछ मुनाफा कमाने के लिए। तो ये था पहला आइडिया। तो बात करते हैं अब दूसरे आइडिया की। दूसरा आइडिया है कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जैसा कि आपको पता कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड काफ़ी आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस खुल चुके हैं, तो ऐसे में यहाँ पे कंप्यूटर प्रशिक्षण का भी काफ़ी महत्व बढ़ जाता है। और यहाँ पर अभी है नहीं कोई भी ऐसे बड़े कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, तो अगर आपको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह आती हैं, आप हेल्प कर सकते हो स्टूडेंट के लिए, तो आप एक कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान चला सकते हो जिसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो बहुत ऐसे हमारे भारत सरकार ने बहुत से ऐसे स्कीम्स निकाली हैं जिसमें आपको लोन प्रोवाइड हो जाता है कम ब्याज दरों में। आगे बात करते हैं तीसरी, फ़िश फार्मिंग। फ़िश फार्मिंग के लिए हमारा एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है यहाँ का, उत्तराखंड का। यहाँ पे नदियाँ भी बहुत सारी हैं और अलग अलग प्रकार की यहाँ पे मछलियाँ भी मिलती हैं, मुनेली, राक्षसी, टेंगरा, बचुआ और भारतीय ट्राउट आदि। तो इस प्रकार की मछलियाँ यहाँ पे आसानी से प्रोड्यूस की जा सकती हैं, उनका उत्पादन किया जा सकता है और काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाया जाता है। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ट्रेनिंग देती है, लोन्स वगैरह देती है, तो ये भी बहुत अच्छा आइडिया है अगर आप करना चाहते हैं। तो आगे बात करते हैं ग्रोइंग कैश क्रॉप प्लांट्स, मतलब ऐसे पौधे जो ट्रेडिशनल खेती ना होते हुए कुछ वैज्ञानिक आधारों से हम करते हैं। इसके लिए कुछ हमें प्रशिक्षण की भी ज़रूरत होती है, वो भी हम आसानी से प्रशिक्षण पा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें हम ऐसी चीज़ें उगाते हैं जैसे कि मतलब जो आसानी से खेतों से सीधे मार्केट तक पहुंचाई जा सकती हैं। जैसे कुछ एग्जांपल हैं जैसे गोभी, हम गोभी, शिमला मिर्च, ठीक है, या कुछ ऐसे जैसे टमाटर आजकल कुछ वैज्ञानिक तरीक़ों से उगाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की खेती हम कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की। अगर आप बागवानी के शौकीन हैं, ठीक है, आपको पॉली हाउस बनाना होगा उसके लिए, ठीक है, एक उचित व्यवस्था बनानी होगी, और लेकिन काफ़ी कम बजट में आप ये शुरू कर सकते हो क्योंकि हमारे उत्तराखंड के लोगों को पहले से ही बागवानी के अनुभव रह चुके हैं, हमारे कृषि कार्य पहले से ही चले आ रहे हैं हमारे पूर्वजों से। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, कम लागत में हम अच्छी आमदनी कर सकते हैं। आजकल काफ़ी डिमांड है ऐसे प्लांट्स की, अच्छे फूलों की बाहर, तो इजीली ऑनलाइन भी हम बेच सकते हैं अच्छे अच्छे पोर्टल्स पे। तो आगे बात करते हैं फ़ोटोग्राफी की। जैसा कि आपको पता है उत्तराखंड फ़ोटोग्राफी के लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। आजकल आप देखते हैं प्री वेडिंग शूट होते हैं, लोग उत्तराखंड के अलग अलग लोकेशंस में आके शूट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये बिज़नेस यहाँ पर शुरू कर सकें, ठीक है, हमारे जो युवा हैं उनके पास अच्छे आइडियाज़ हों, अच्छी थीम बेस्ड फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए कम बजट में। इसके लिए आपको एक अच्छी फ़ोटोग्राफी का कोर्स करना होगा छोटा सा, और एक अच्छा कैमरा ख़रीदना होगा। बाकी तो आजकल लर्निंग मटेरियल्स तो इजीली ऑनलाइन अवेलेबल हो ही जाते हैं किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बात करते हैं रियल इस्टेट। देखो आजकल पहाड़ों में कॉटेज वगैरह काफ़ी बनने लग गए हैं, लोग अपनी ज़मीनों पर कॉटेज बनाने के बाद उनको बेच दिया करते हैं। हालांकि हम इसके पक्षधर नहीं हैं क्योंकि इससे एनवायरमेंटल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं काफ़ी, ठीक है, पहाड़ों को खोदने से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, भूस्खलन वगैरह, लेकिन अगर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थोड़ा सा हम कर सकते हैं अर्निंग्स। हालांकि मैं इसका कभी पक्षधर नहीं रहूँगा जिससे एनवायरमेंटल डिसऑर्डर्स आए वहाँ पर। इसके बाद बात करते हैं रेस्टोरेंट की। हमारे उत्तराखंड के आपने देखे होंगे महान बहुत सारे ऐसे फेमस शेफ्स हैं जो अभी सारे दुनिया में काफ़ी अच्छा अपना नाम कर रहे हैं, विदेशों में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो क्यों ना हम ऐसा भी स्टार्ट कर सकते हैं कि वही छोटे छोटे बिज़नेस रेस्टोरेंट के रूप में अपने पहाड़ में शुरू करें ताकि यहाँ का लजीज खाना भी लोगों को ग्लोबली हम उसे रिप्रेजेंट कर सकें। तो इसके लिए भी एक बहुत बड़े अमाउंट की ज़रूरत नहीं है, 2-3 लाख रुपये में अपना एक अच्छा छोटा रेस्टोरेंट या एक कैफ़े हम कह सकते हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं पहाड़ों में।
अक्सर देखते हैं कि लोग आते हैं पहाड़ों में घूमने और उन्हें यहाँ पे ऐसे ऑप्शंस नहीं मिल पाते, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन होगा। इसके बाद करते हैं टूरिज्म की। देखो, हिमालयी क्षेत्र हमारा उत्तराखंड हिमालय से लगा हुआ है, तो हमेशा यहाँ पे टूरिज्म तो बना रहेगा, आने वाले टाइम पे भी और बढ़ेगा। यहाँ पे जितने भी प्राचीन मंदिर हैं, हमारी संस्कृति के और भी चीज़ें हैं, उन्हें देखने के लिए आते हैं। हिल स्टेशन अच्छा है, नेचर अच्छा है और हवा पानी तो अच्छी है ही। और हमारे राज्य में बहुत सारे ऐसे स्मारक हैं जिनको देखने भी आते हैं, तो इस तरीके से एक छोटा सा टूरिज्म बिजनेस हम शुरू कर सकते हैं, जिसमें हम गाइड वगैरह प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है, उनके लिए होटल्स वगैरह की, होटल्स और ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करा के अपना एक टूरिज्म का एक ब्रांड बना सकते हैं वहाँ पर। इसके बाद हाँ, इसी से लगा हुआ एक दूसरा बिजनेस है ट्रांसपोर्टेशन। अभी वहाँ पे रोड हैं, हमारे उत्तराखंड में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे रोड्स अभी अभी बन रही हैं या बनी नहीं हैं, तो वहाँ पे रोडों का नेटवर्क ऑलरेडी बना तो हुआ है, 28,000 से ज़्यादा किलोमीटर की सड़कें हैं, ठीक है। तो दूर दराज के क्षेत्रों में अभी भी चीज़ें पहुँचाने के लिए बसों या ट्रकों का यूज किया जाता है, लेकिन अभी वो फैसिलिटीज उतनी है नहीं। फिर इस चीज़ के लिए भी हम बिज़नेस कर सकते हैं, हालांकि गाड़ियाँ पहाड़ों में उतनी पहुँच नहीं पाती उतने क्षेत्रों में, लेकिन फिर भी ये एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस हो सकता है अगर हम कम बजट इसमें, हालांकि बजट थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा, ठीक है। तो ये कुछ थे हमारे, तो अगर आपको इस तरह की जानकारी और जाननी है और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।